नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और जो ESIC की तरफ से खुशखबरी है उसके बारे में। जी हाँ, ESIC का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है हमारे पास है, वो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा कि कितनी पोस्टें खाली है और कितनी वैकेंसी जो अभी अक्टूबर में आ रही है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको नर्सिंग से जुड़ी पूरे भारत की हर एक अपडेट हम जो है टाइम टू टाइम देते रहेंगे। दोस्तों, ये PDF आपको पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। अगर लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है एकदम अर्जेंट लेटर लिखा गया है कि जो ESIC में खाली पद है उनको अभी के अभी भरा जाए। जी हाँ, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया ESIC नर्सिंग ऑफिसर्स फेडरेशन की तरफ से ये जो है लिखा गया है। क्या लिखा है वो बता देता हूँ आपको, कहाँ किसको लिखा गया है। टू श्री भूपेंद्र यादव जी, ऑनरेबल चेयरमैन ESIC एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट GOI श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग न्यू दिल्ली। कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन ESIC मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑन अर्जेंट बेसिस रिक्वेस्ट रिगार्डिंग। ठीक है, रिक्वेस्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग फ्रॉम ऑल ESIC नर्सिंग ऑफिसर्स फेडरेशन। योर काइंड अटेंशन इज इन्वाइटेड फॉर द मैटर ऑफ रेफर्ड इन सब्जेक्ट लाइन। एज यू आर वेल अवेयर, नो रीजन ऑफ ESIC हैव कंडक्टेड इनिशिएट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन रीसेंट टाइम, एंड लास्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव इन द नर्सिंग कैडर वॉज हैपन्ड इन 2018। यानी कि ये बात ये बता रहे हैं कि सर, आप सभी, आपको पता होगा कि ESIC में जो है 2018 के बाद किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं हो पाई है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कितनी क्या पोस्टें खाली है, आ जाए नीचे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लास्ट में इन्होंने ये भी लिखा है कि वी सिंसियरली होप कि हम जो है आशा करते हैं यू विल कंसिडर द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड डू द नीडफुल इनिशिएट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट अर्ली। ठीक है, यानी कि आप जो है, हमें उम्मीद है कि आप जल्द जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी करवाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ESIC चंडीगढ़ की, बात करें ESIC मॉडल हॉस्पिटल, यहाँ पर वैकेंट पोस्ट जो है वो है, टोटल की बात कर लेते, सेक्शन पोस्ट 41 है, वैकेंट 2 है। ESIC जयपुर राजस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है सेक्शन टोटल पोस्ट है 38, लेकिन यहाँ पर जो है वैकेंट पोस्ट की बात करें तो वैकेंट नर्सिंग ऑफिसर की बात करता हूँ मैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर दोनों की बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंट पोस्ट 33 है यहाँ पर, सीनियर और नर्सिंग ऑफिसर की चंडीगढ़ में 6 है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी वैकेंट पोस्ट जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 10 है और वैकेंट पोस्ट नहीं है यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की। उसके बाद अलवर की बात करें, 57 वैकेंट पोस्ट है और 134 जो है नर्सिंग ऑफिसर, सबसे ज़्यादा अलवर में ही लग रही मुझे। उदयपुर की बात करें तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की नहीं है लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की 13 पोस्ट है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर जो है 33 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 92 जो है नर्सिंग ऑफिसर। फिर जो है रुद्रपुरा की बात करें तो 19 यहाँ पर जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 40 जो है नर्सिंग ऑफिसर की, ये खाली पोस्ट बता रहा हूँ अभी तक की बात करें। इंदौर MP की बात करें तो 6 जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, 3 जो है नॉर्मली जो है नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर की। इंदौर के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपको मैं बता देता हूँ, चेन्नई की बात करें तो 35 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 137 जो है नर्सिंग ऑफिसर। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है, 107 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 402 है जो जूनियर नर्सिंग ऑफिसर की है। गुवाहाटी में किसी प्रकार की जो है कोई खाली नहीं है। जम्मू की बात करें तो 7 जो है नर्सिंग ऑफिसर की है। उसके बाद पंजाब की बात करें तो 4 जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 22 नर्सिंग ऑफिसर की। कानपुर की बात करें 67 जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की खाली है, 46 जो है नर्सिंग ऑफिसर की है। उसके बाद बेंगलुरु की बात करें 4 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की और जूनियर नर्सिंग ऑफिसर की 175 पोस्ट खाली है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अलग अलग है। अंधेरी की बात करें तो 1 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 56 जो है नर्सिंग ऑफिसर की। उसके बाद कोल्हापुर की बात करें, 1 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 8 जो है नर्सिंग ऑफिसर की। उसके बाद पुणे में 17 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली है, 24 है जो जूनियर नर्सिंग ऑफिसर की है। उसके बाद DCBOS की बात करें तो 12 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की नहीं है, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर की 12 पोस्ट है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो है नर्सिंग ऑफिसर की 11 पोस्ट खाली है। टोटल मिलाकर ये पूरी मैं PDF आपको दे दूंगा दोस्तों, ये सारे चीज़ें बताऊंगा तो टाइम लगेगा। टोटल जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंट पोस्ट है वो है 570 और जूनियर नर्सिंग ऑफिसर की है 1697। यानी कि अर्जेंट रिक्रूटमेंट अभी के अभी करवाया जाए तो ये जो है 2270 पोस्ट अभी भी खाली है। और ये रिक्रूटमेंट का जो नोटिस है, ये खाली पोस्ट का जो नोटिस है, ये काफ़ी पहले टाइम का, यानी 2277 यहाँ बता रहे हैं, 2270 के आसपास।
लेकिन जो है इसमें और पोस्ट है उसके बाद जो है जुड़ी है, ये काफ़ी टाइम थोड़ा टाइम हो गया इस नोटिफिकेशन को जो है, सातवें महीने का तकरीबन आठवें महीने का अगस्त का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है दोस्तों। तो 2800 पोस्ट की वैकेंसी अर्जेंट बेसिस होनी है और वो इसी मंथ होनी अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा जो है लिखा भी गया है किसके द्वारा, ऑल इंडिया जो है ESIC नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन है उनके द्वारा, और जो है रिक्रूटमेंट चलाना होगा, 3000 के आसपास पोस्ट आएगी। मैंने पहले भी बताया था काफ़ी लोगों को, 99% लोगों को जो है भरोसा था चैनल पर, लेकिन 1% लोग होते हैं जिनका यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो और एक्स्ट्रा जो होशियार हो कह सकते हैं, तो खुद में होशियार बनते हैं, उनको ये पता नहीं था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमको इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से पता चला वैकेंट पोस्ट है और वैकेंट पोस्ट को अर्जेंट बेसिस भरा जाना आवश्यक है। तो अक्टूबर में 100% वैकेंसी आ रही है, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड और न्यूज़ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे दबा दें, जिससे कि इस ESIC से वैकेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन अपने आप तक पहुँचेगा। दोस्तों कैसी लगी जानकारी, जेन्युइनली आप कमेंट जरूर करें जो भी देख रहे हैं। और इसी के अलावा नर्सिंग जगत से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF जो है PJ लक्ष्य क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसमें मिल जाएगी लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आवाज़ से उसको ज्वाइन करें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।